21 साल बाद राजा भैया को मिली खुशखबरी, महल छोड़कर भाई के साथ पहुंचे इस खास जगह पर। रेत पर बैठकर लगाया आसन, फिर बजाने लगे शंख। राजा भैया का ऐसा अवतार नहीं देखा होगा। इस तस्वीर में दिख रहा शख्स कोई और नहीं बल्कि कुंडा के बाहुबली राजा भैया है। इससे पहले आपने राजा भैया को घुड़सवारी करते, बुलेट और कार चलाने के साथ साथ पिस्टल और रिवॉल्वर चलाते देखा होगा, लेकिन इस बार कुछ नया देखिए। बोले तो पूरा राजा भैया वाले स्टाइल में। राजा भैया जहाँ बैठे हुए हैं उनके पीछे एक घास फूस की झोपड़ी नजर आ रही है। सामने पूजा पाठ का सामान दिख रहा है, हाथ में अगरबत्ती और शंख दिखाई दे रहा है। कुंडा और आसपास के इलाके में राजा भैया की कितनी चलती है किसी से बताने की जरूरत नहीं है। फिर ऐसा क्या हुआ कि अपनी हवेली को छोड़कर यहाँ कुंडा नरेश पहुँच गए। राजा भैया कट्टर हिंदूवादी नेता माने जाते हैं, तो क्या राजनीति छोड़कर अब सन्यासी बनने की राह पर है? ये तस्वीर इस वक्त सोशल मीडिया पर पानी की तरह तैर रही है, लेकिन इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है चलिए आपको बताते हैं। राजा भैया की जब भी बात होती है तो उनके दाहिने हाथ माने जाने वाले कुंवर अभय प्रताप सिंह उर्फ गोपाल भैया का जिक्र जरूर होता है। अक्षय प्रताप जामो अमेठी राजघराने से ताल्लुक रखते हैं, उन्हें राजा भैया का चचेरा भाई कहा जाता है। ये दोस्ती कितनी गहरी है इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि तीन पुश्तों से दोनों राजघरानों के बीच में दोस्ती चली आ रही है। जब भी कोई संकट आता है तो दोनों राजघरानों के राजकुमार एक दूसरे के लिए हमेशा अपनी जान तक देने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन 21 साल पहले कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से हमेशा राजा भैया परेशान रहते थे। अब 21 साल बाद राजा भैया को बहुत बड़ी खुशखबरी मिली है। 1997 में अक्षय सिंह पर गलत तरीके से अवैध हथियार लेने का आरोप लगा था। इस मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने पिछले साल मार्च 2022 में 7 साल की सजा सुनाई थी। इसी मामले की सुनवाई करते हुए अब अपर जिला जज ने राजा भैया के भाई अक्षय प्रताप सिंह को दोष मुक्त कर दिया है। मतलब अब 7 साल की सजा नहीं काटनी पड़ेगी। कोर्ट ने यह फैसला मकर संक्रांति से ठीक एक दिन पहले सुनाया है। 21 साल बाद इतनी बड़ी जीत मिलने के बाद राजा भैया बहुत खुश हैं और भाई अक्षय प्रताप के साथ गंगा सागर की यात्रा पर निकल पड़े। ये तस्वीर भी वही की है। मकर संक्रांति के मौके पर खास अंदाज में पूजा पाठ करते हुए राजा भैया यहाँ पर नजर आ रहे हैं। नदी के किनारे रेत पर कुछ इस तरह से बैठकर पूजा पाठ किया, अगरबत्ती जलाई और फिर शंख भी बजाया। राजा भैया अपनी जिंदगी हमेशा राजा की तरह ही जीते हैं। यही वजह कि महल को छोड़कर जब यहाँ पहुँचे और इस तस्वीर को लोगों ने देखा तो हर कोई हैरान रह गया। वैसे राजा भैया विधायक हो या फिर मंत्री रहे हो, अपनी भाषा और अपने धर्म पर खुलकर बोलते रहे। ये पूजा राजा भैया के लिए इसलिए भी बहुत खास है क्योंकि 21 साल से जो डर सता रहा था, कोर्ट ने उस मामले में अब अक्षय प्रताप को दोष मुक्त कर दिया है। अब ये दूसरी तस्वीर भी देखिए, ये भी गंगा सागर की है जहां अपने भाई अक्षय प्रताप के साथ राजा भैया वोट में घूमते नजर आ रहे हैं। आसपास उनके समर्थक भी नजर आ रहे हैं। ये दोनों ही तस्वीरें सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रही हैं और लोग तरह तरह के इस पर कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। राजा भैया के चाहने वाले उनके इस अवतार को देखकर बहुत तारीफ कर रहे हैं, लेकिन राजा भैया के इस अंदाज को लेकर आपका क्या कहना है और आपकी क्या राय है? अपना जवाब आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं।